क्वेश्चन है कि हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि जिसने सुकून इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की, उसने निजात पा ली। तो क्या इससे हमें ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा नहीं समझ आता है कि आप प्रेफर ये करते थे कि बंदा खामोशी रहे, भले सह ले अपने ऊपर कोई चीज़, लेकिन सुकून इख्तियार रखे। बिल्कुल। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा अच्छा सवाल किया आपने कि वो हदीस में आता मन सकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की वो नजात पा गया। जी तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। उसका मकसद यही है कि इंसान खामोशी इख्तियार करने में जब सब्र कर लेता है तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हो जाता है कि इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ने कहा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो ये तो बहुत आला दर्जा है कि इंसान खामोशी इख्तियार कर ले और उसको कोई जवाब ना दे, नतीजे कि अल्लाह तबारक व तआला किफायत करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कुरान में उसकी भी इजाज़त दे दी है जिस पर जुल्म हो रहा है उसको बोलने की इजाज़त दे दी है। चुनाचे छठे पारे में फरमाया ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह पसंद नहीं करते कि किसी के बारे में आप कोई बुरी बात कहें मगर वो जिस पर जुल्म हुआ वो। जैसे अभी एक जो है बहन ने सवाल किया था कि सास ने यूँ ज्यादती करती है, तो सास की ज्यादती को मुफ्ती आलिम के सामने बयान करना ये बहू के लिए जायज़ है, कुरान ने उसकी इजाज़त दी है। क्योंकि वो बहू मजलूम है कि वो सास जो है बिला वजह बर्डन डालती है, बिला वजह शॉटिंग करती है, खाम खोस का दिल दुखाती है और वो खामोश हो जाए तो फिर डबल उस पर चढ़ जाती है, देखा ये ऐसी है बदतमीज़ बात नहीं करती। तो कुरान ने कहा ऐसी मजलूम जो बहू है उसको बिल्कुल अपनी दास्तान बयान करने की इजाज़त है और वो खामोशी इख्तियार नहीं करती तो उसका राइट है, तो इसलिए आप बिल्कुल उसका कर सकते हैं। तो बाकी वो हदीस अपनी जगह दुरुस्त है कि खामोशी में आफियत है। और मैंने बताया कि देखो कि खैर की कलाम हदीस में फरमाया कि बोलो तो खैर बोलो नहीं तो कुछ भी ना बोलो, बोलो तो खैर बोलो नहीं तो कुछ भी ना बोलो। लिहाजा खामोशी इख्तियार करें और खामोशी मुरादी अल्लाह का जिक्र करें, सलात व सलाम पढ़ें, इसी में लगे रहें, बाकी खैर की बात हो बोलें वरना तस्बीह में लगे रहें।